तीन दिन हो गए हमें नहाए धोए खाए पिए, हमें कुछ नहीं है। अब पता कहाँ से नुकसान कितना होया होगा। हमें सरकारी जगह पे हम कब्जा उब्जा नहीं करने चाहते, सरकारी जगह पे हमें बसा दो। कुछ दिन के रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी अच्छी तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। अभी रोटी बना रही थी, ऐसे ऊपर मशीन फेर दी, रोटी बनाते बनाते बेघर कर दिया। लाखों करोड़ों को नुकसान कर दिया, किसी का 10,000 का तो किसी का लाखों का। खाने का बर्तन तलक था ना, वो भी नहीं छोड़ा हमारे घर में। हमारे बच्चन बेघर हो गए, ऊपर से धूप, कुछ तो राम ने मारा, कुछ घाम मार गया, कुछ सरकार ने मार दिया। हम तीनों से परेशान हैं। On April 25th, Gurugram's Banjara Market, famous for its furniture, cutlery and decor items, saw demolitions for the second time in a little over 6 months. The Haryana Shahari Vikas Pradhikaran or HSVP carried out the demolition on over 14 acres of land. An HSVP official told The Quint that approximately 900 jhoggis had been set up by the dwellers on the Haryana government land, which is now seeing demolitions. हमारे इसी के साथ टूट रहा 3 दिन से। कल रात ऐसे सोए मच्छरों में, ऐसे में बहुत परेशान हुए। तो बिगर लाइट नहीं, लाइट तड़पड़ा रहा बहुत ज्यादा, रोगा बहुत जोर का बच्चे हमारे। तो लाइट है दीदी नहीं और कुछ है, बहुत ही परेशान हो रहे, जिसकी कोई कहने की बात ही नहीं है। दीदी आपकी कोठी बिल्डिंग टूटती है, कितना दुख होता है। हमारी ये कोठी है, ये घर है, ये मकाम है। जब से चित्तौड़ से निकले तब से परेशान नहीं थे हम इतने, जो अब हुए हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रोटी खाए को 3 दिन हो गए हैं हमको मैडम, बहुत परेशान हो रहे हैं सच में। खाना भी नहीं खाया है हमने 3 दिनों से। हम नहीं दीवार बना सकते, ना ही कहीं मकान बना सकते। हम सिर्फ तिरपाल की झोंपड़ी में रह रहे हैं। 15-16 साल से कभी हम बसे ही नहीं है, ना ही कुछ कब्जा किया है। सरकार में ही चल रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। और बच्चों की ये पढ़ाई कर रहे थे, अब यहाँ से पढ़ाई हो रही है बच्चों की, यहाँ से हटा दिया तो पढ़ाई हम बच्चों की खराब होगी कि नहीं होगी। ये सरकार को करना चाहिए। हमें सरकारी जगह पे हम कब्जा उब्जा नहीं करने चाहते, सरकारी जगह पे हमें बसा दो। कुछ दिन के रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी अच्छी तो बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। यहाँ से तोड़ दिया तो बच्चों की हो जाएगी ज़िंदगी खराब है, पढ़ाई भी खराब है। आज का सब कुछ है पढ़ाई का। The HSVP authorities had first intimated the locals about the impending demolition on 22nd April and the demolition process began on the morning of 25th April. As North India grapples with a heat wave, with the mercury rising over 40 degrees, have there been any rehabilitation attempts made for the members of the Garhi Lohar community who hail from Rajasthan's Chittorgarh and have been living and working in the Banjara market for more than 15 years now? Several of them have told The Quint that at this point all they want is to be resettled elsewhere. Any place will do, they say. हम तो हाथ जोड़ कर कह रहे हैं मोदी जी हमें और कहीं बसा दो, हम और कहीं रह लेंगे। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम इतनी हाथा जोड़ी आपसे हमारी, हमें कहीं भी बसा दो, या सोना रोड बसा दो, या कहीं भी कोई से भी रोड बसा दो, हम बसना चाहते हैं। हमारी मांग इतनी है कि हमें कहाँ कहाँ बसाया जाए। यहाँ से उठा दिया तो और कहाँ बसा दो, हमें बसाना चाहिए हमें। जी आपको कहाँ से आदेश आया कि ये करवाना है? मैडम ये तो अपनी हुड्डा के एक्वायर्ड लैंड है और अभी सीएम ग्रीवेंस मीटिंग हुई थी जिनमें सीएम साहब ने खुद कहा था कि इसको आप खाली करो, जो आपकी कोई भी जमीन है जो आपके इंक्रोचमेंट है जहाँ पर, उसको आप खाली करवा लीजिए। अच्छा तो ये बताइए इनको कुछ बताया गया कि यहाँ से खाली करके कहाँ जाना है इन्हें? जी कहाँ जाना है इस चीज़ के हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये क्या है सरकारी ज़मीन है। यहाँ हमारे पास आदेश है कि इसको खाली कराना है, अब कहाँ जाना इसका उपाय तो सरकार खुद ही ढूंढेगी, हमारे पास सर मैडम कोई नहीं है इस चीज़ के। हर्षद आनंद, a lawyer who deals with land rights cases, cited a 2019 judgment of Delhi High Court's Justice Murlidhar, in which the court had said that slum dwellers can't be called encroachers or illegal occupants, as they are forced to live in pitiable conditions due to the failure of the state to provide adequate shelter. The court had mandated provisions of adequate rehabilitation before any eviction is carried out. According to Anand, the benefit of this judgment should extend to shopkeepers of Banjara Market.